आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हर साल विश्व में 3 दिसंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश राठौर ने बताया कि हर साल विश्व में 3 दिसंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, जन सामान्य को जागरूक करना और सरकार के द्वारा इनके लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसके प्रति जागरूक करना, जिससे हम एक मानवीय आधार पर इनके साथ में इंटरेक्ट करें और इनको जो भी कल्याणकारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, लोगों की तरफ से जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें बदलाव आए। सरकार के द्वारा जितने भी विकलांगजन हैं उनके यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ साथ जो लोग इनके इलाज का खर्चा उठा रहे हैं उनको इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी योजनाओं में एक स्पेशल कोटा होता है, विकलांगजनों के लिए एक अलग से स्कूल होता है जिस स्कूल में स्कॉलरशिप के आधार पर इनकी मुफ्त शिक्षा होती है। मानसिक विकलांगता बाकी विकलांगताओं में एक बड़ा हिस्सा है जिसमें अक्सर समाज के लोग समझ नहीं पाते कि व्यक्ति जानबूझ के व्यवहार ऐसा कर रहा है जिससे उनको कठिनाई हो रही है या फिर ये विकलांगता का हिस्सा है। हर साल इस दिन दिव्यांगों के विकास, उनके कल्याण के लिए योजनाओं, समाज में उन्हें बराबरी का अवसर मुहैया कराने पर गहन विचार विमर्श किया जाता है। अतः सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी मानसिक विकलांग व्यक्ति हैं उनको बच्चों की तरह से उनके स्तर पर आके उनको समझने का प्रयास करें और उनको अपनी बातें समझाने का प्रयास करें, क्योंकि उनके मन में जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो खुद भी नहीं समझ पाते, वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनमें हताशा और गुस्सा अक्सर आता है जिसके कारण वो थोड़ा सा हंगामा भी कर देते हैं। तो अगर आप उनको समझेंगे तो शायद वो हंगामा ना हो और सहज रूप से आप उनको परिवार के सदस्य के रूप में रख सकते हैं। चूँकि ये बीमारी नहीं है इसलिए हॉस्पिटल में इसको भर्ती करना उचित नहीं होता, इसको परिवार में रखना है, सेवा करनी है और सेवा अच्छी तरह से कर पाएं इसलिए इनको समझना बहुत आवश्यक है। हर वर्ष दुनिया के तमाम देशों में 3 दिसंबर को दिव्यांगों के उत्थान, उनके स्वास्थ्य व सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते अधिकांश जगहों पर ऑनलाइन कार्यक्रम हुए। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।